रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मेहरौली स्थित श्री राधेश्याम मंदिर में, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज तीसरा दिवस है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। आइए मिलवाते हैं हम पूज्य सुमन किशोरी जी से, जो ये कथा हमें सुना रही हैं। सुमन किशोरी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपके बारे में चर्चा है कि जहाँ भी आप कथा सुनाती हैं, आपके जो बीच में भजन सुनाती हैं, लोग आपको स्वर कोकिला सुमन जी बोलते हैं, ये सब कहाँ से सीखा आपने? देखिए, उर प्रेरिक रघुवंश मड़ी, हम तो सीखने वाले कौन होते हैं, जब जीव पर भगवत कृपा हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रयास तो जीव को करना ही पड़ता है, बाकी कृपा साध्य है। इस पीठ पर बैठ करके हमें खुद नहीं मालूम रहता है कि मुझे कब क्या बोलना है, कभी सोच के आते आज ये नहीं ये बोलेंगे, लेकिन इस पीठ पर आकर के वो जो बुलाना चाहते हैं वो अपने आप बुला लेते हैं। लेकिन जो भी आप बोलते हैं, लोग इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपके भजनों पर झूमते हैं, नाचते हैं, ये तो आपने कहीं से सीखा होगा? थोड़ा बहुत तो क्लासिकल संगीत का मैंने अध्ययन भी किया है, संगीत से विशारद की है और संस्कृत में भी पढ़ाई की है, लेकिन जो लोग नाचते हैं झूमते हैं, ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, ठाकुर जी की कृपा है। एक और बात कि आपने कब से शुरू की है कथा? लगभग 2013 से मैंने प्रारंभ किया है कथा। पहली कथा मैंने वृंदावन धाम से, मेरा संकल्प था पहले से ही कि अगर हम कथा प्रारंभ करेंगे तो पहले बिहारी जी के चरणों से हाजिरी लगा करके तब मैं कथा प्रारंभ करूंगी। तो कृपा ठाकुर जी की, बिहारी जी की, और बिहारी जी के पास में ही एक बहुत बड़े संत हैं, फलाहारी बाबा करके उनका नाम प्रसिद्ध है, उनके चरणों में बैठ करके और बिहारी जी की बिल्कुल शरण में बैठ करके कथा हुई। तो फिर उसके बाद जब बिहारी जी का आशीर्वाद मिल गया तो चैनलों में भी कथा आप सभी ने श्रवण की होगी, जैसे दिशा चैनल है, शुभ टीवी है, आस्था भजन है, उनके माध्यम से भी लोगों को काफ़ी कथाओं का आनंद मिला। और ये मेहरौली में भी कहीं ना कहीं हमारा चैनल ही माध्यम है, जो हम चैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो प्रेरणा मिली आपको कि मैं कथा वाचन में जाऊं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा स्रोत मुझे तो जहाँ तक है ठाकुर जी की ही कृपा हुई, ठाकुर जी की ही प्रेरणा हुई। नहीं तो हम जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ ऐसा कुछ भक्तिमय ज़्यादा माहौल नहीं था, हो सकता हमारे पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, भजन रहा होगा। जैसे धन इकट्ठा करते तो वो हमारी पीढ़ियाँ खर्च करती हैं, लेकिन भजन एक ऐसी पूंजी है जो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कई गुना होकर के वो पूंजी के रूप में हमें जरूर प्राप्त होता है। तो हो सकता पिछले जन्म में हमारा कोई भजन रहा होगा, वो प्रताप इस जन्म में हमको देखने को मिला है। और इतना जो आप कथा सुनाते हुए जो आप में आत्मविश्वास है, ये कैसे जागा? क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक हिचकिचाहट हर एक में होती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास देखकर और कुछ बातें तो शायद आप बिना पढ़े ही बोलती हैं, ये सब कहाँ से? मैंने पहले ही आपसे अभी निवेदन कर दिया कि हमें नहीं मालूम रहता, कभी कभी कुछ जो शब्द हम जो कभी सुने भी नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, इस गद्दी पर बैठ करके वो कब क्या बुला लेते हैं, हमको ये चीज़ का हमको ही खुद को पता नहीं रहता। कभी कभी हमारे साथ के लोग भी कहते, दीदी क्या आप कहाँ से तैयारी की, लेकिन हमें नहीं पता रहता, वो कृपा बोलती हैं। और आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे देश के नाम? आज 15 अगस्त भी है और हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ भी आज़ादी की, क्या कहेंगे? समस्त देशवासियों को यही संदेश है कि ये भारत देश हमारा आज से नहीं,
पुरातन समय से महान रहा है। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि पर राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, जितने भी अवतार हुए इस धराधाम भारत भूमि पर ही भगवान ने अवतार लिया। तो आज से नहीं, कई पीढ़ियों से, और 75वीं वर्षगांठ जो अभी मनाई जा रही है भगवान हमारा स्वतंत्रता दिवस की, तो हमारे वीरों ने कितना इस संसार में भारत को महान बनाने के लिए कितनों ने जान गमाई है, वो वीरों की कहीं ना कहीं इसमें, जैसे आज़ाद भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इनको हम चाह करके भी नहीं बुला सकते, क्योंकि जो बलिदान हमारे वीरों ने दिया है वो आज वीरों की ही खातिर हम लोग जो सनातन धर्म का प्रचार कर पा रहे हैं, और जो मंदिरों में पूजा पाठ जो हम लोग निर्भीक होकर के कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे वीर भी उसमें माध्यम है। वो वीरों की ही ऐसी शक्ति है जो वीरों के खातिर हम निडर होकर के बैठे हुए हैं। आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं और जो भी यहाँ से बात मुख से निकलती है वो हो के रहती है, आप देशवासियों को क्या आशीर्वाद देंगे? बस समस्त देशवासियों को यही आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो क्या, व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद, हम तो आशीर्वाद देने वाले होते कौन है जी, व्यासपीठ की तरफ, व्यासपीठ की तरफ से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब हमारी भारत माता के प्रति बस अपना प्रेम बनाए रखें। जो हमारा भारत देश महान था, आगे भी भारत देश महान बनाए रखने में हमारे सनातन धर्म प्रेमियों का बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे भी रहेगा। जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर संदेश सुमन किशोरी जी का, भारत के लिए एक आशीर्वाद। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैमरामैन नदीम के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। झूले
भाग दोगे।